दोस्तों, आज भले ही इंसान दूसरे ग्रहों तक पहुंच गया है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर आज भी ऐसी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां इंसानों का रह पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें से एक जगह अंटार्कटिका भी है। दोस्तों, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश इसमें बिल्कुल फिट आ जाएंगे। दोस्तों, अंटार्कटिका में ना किसी देश का कब्जा है और ना ही यहाँ कोई सरकार है। दोस्तों, यहाँ अलग अलग देश के रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक रहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आप देख रहे हैं अजीत गिरी लाइव फैक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हड्डियों को जमा देने वाले ठंड में वैज्ञानिक जिंदा कैसे रहते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आम इंसान सर्दी में बाहर निकलने पर कांपने लगता है, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। यहां अगर आम इंसान बाहर निकल आए तो शरीर जम जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अक्टूबर से अप्रैल के बीच इस बर्फीली द्वीप पर 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब यहाँ इतनी ठंडी पड़ती है तो ये लोग यहाँ कैसे रह पाते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका का ये एरिया लगभग 140 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ चारों तरफ केवल सफेद बर्फ ही दिखाई देती है। यहाँ पूरी सर्दी तेज तूफानी बर्फीली हवाएं चलती है। यहाँ ठंडा इतना ज्यादा पड़ता है कि समुद्र का पानी भी बर्फ बन जाता है, और इस वजह से यहाँ नाव भी चलाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ बर्फीली आंधियों के वजह से प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाना भी लोहे के चने चबाने जैसा है। इस इलाके में आमतौर पर -60 डिग्री तक तापमान रहता है। यहाँ सूरज के दर्शन तो कई दिनों तक नहीं होते। कई बार तो यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री तक चला जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ वैज्ञानिक अपने रिसर्च में लगे रहते हैं। अंटार्कटिका में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत सारे लेयर कपड़े पहनते हैं। इसके साथ ही वो खाना भी ऐसा खाते हैं जो उन्हें अंदर से गर्म रखे। फिजिकल एक्टिविटी भी ये वैज्ञानिक बहुत करते हैं। इनका कपड़ा पूरी तरह से वाटर और एयर प्रूफ होता है। इसकी वजह से इनकी बॉडी हीट अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसके साथ ही इनको गर्म रखने के लिए इनके पास कई सारी एडवांस चीजें भी रहती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।